हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जिस डेट को जो इवेंट हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइमलाइन 635। 635 से आपने याद रखना है, 635 में एक चाइनीज़ यात्री था जिसका नाम था हेनसांग। हेनसांग इस व्यक्ति ने जो है वो कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी, ठीक है। और जब इसने यात्रा की थी, इसने कुल्लू को क्या कहकर पुकारा था, ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, आपने याद रखना है, क्यू लू ती, ठीक है। हिंसांग ने क्या कहा था कुल्लू को, क्यू लू ती, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन से आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 550 AD। 550 AD में मारुवर्मन ने फाउंड किया था चंबा डोमिनियन। शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं। मारुवर्मन ने किसको फाउंड किया था, चंबा डोमिनियन, चंबा डोमिनियन, क्लियर। इस तरह से आपने बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और मारुवर्मन के बारे में आपने याद रखना है, ये कहाँ से आए थे, अयोध्या, अयोध्या से ये आए थे। और कौन सी क्लैन को बिलोंग करते थे ये, सूर्यवंशी। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 697 AD की। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 697 AD में एक राजा थे बीरचंद। बीरचंद इन्होंने जो है वो गहलूर डोमिनियन को एस्टेब्लिश किया था। गहलूर डोमिनियन, अगर हम बात करें, एक बुक है शशि वंश विनोद, शशि वंश विनोद। अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में 697 AD जो टाइमलाइन है वो दी गई है कैलूर डोमिनियन की, ठीक है। और कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगी 900 AD में बीरचंदेल ने कैलूर डोमिनियन की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये दो टाइमलाइंस आपने याद रखनी है। और शशि वंश विनोद की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, गणेश सिंह के द्वारा। और इनकी जो बुक है वो किस वर्ष पब्लिश हुई थी, 1892। नेक्स्ट बात करते हैं 765। 765 AD में सुकेत स्टेट को फाउंड किया गया था, सुकेत स्टेट। और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, वो व्यक्ति थे बीरसेन, ठीक है। और 765 में ही एक और इवेंट हुआ था, केंथल स्टेट को भी फाउंड किया गया था, केंथल स्टेट। और केंथल स्टेट को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, गिरीसेन। दोनों ही सेन है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने एक साथ याद रख लेना है। नेक्स्ट है 920 AD। 920 AD में चंबा टाउन को फाउंड किया गया था। और आप सभी को पता है चंबा टाउन किसने फाउंड किया था, साहिल वर्मन। तो ये टाइमलाइन आपने एज इट इज़ याद रखनी है। फिर है 1000 AD। 1000 AD में आपने याद रखना है, एक तोमर राजपूत था, तोमर राजपूत, जिसका नाम था जेठपाल। इस जेठपाल ने जो है वो नूरपुर स्टेट की स्थापना की थी, ठीक है। और उस टाइम पर नूरपुर की जो राजधानी है वो क्या थी, पैथन, जो कि आज के टाइम में पठानकोट के नाम से जानी जाती है, ठीक। एट प्रेजेंट जो पठानकोट है उसका पुराना नाम क्या था, पैथन। फिर है 1009 AD। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में क्या होता, महमूद गजनवी ने प्लंडर किया था कांगड़ा फोर्ट। महमूद गजनवी इसने प्लंडर किया था कांगड़ा फोर्ट को, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि वो कौन सा एक्सपेडिशन था, तो आपने याद रखना है फोर्ट एक्सपेडिशन, ठीक है। फिर है 1100 AD। 1100 AD में हिंडूर को फाउंड किया गया था। और हिंडूर को फाउंड करने वाले व्यक्ति थे अजय चंद, क्लियर। और हिंडूर किसका पुराना नाम है, नालागढ़। और नालागढ़ जो है वो किसका ऑफ शूट था, ये भी याद रख लो, ये किसका ऑफशूट था, बिलासपुर, क्लियर। अगली टाइमलाइन की हम बात करते हैं 1154 AD। इस टाइमलाइन को कुनिहार डोमिनियन को एस्टेब्लिश किया गया था, कुनिहार डोमिनियन। और किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, वो व्यक्ति थे अबोज देव, अबोज देव। अगला है 1170। 1170 में जसवान स्टेट को फाउंड किया गया था, जसवान स्टेट को। और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, वो व्यक्ति थे पूरब चंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, पूरब चंद के द्वारा।
और इनकी अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी, राजपुरा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा अंब के नज़दीक। ठीक है, फिर है 1200 AD। 1200 AD में मंडी स्टेट को फाउंड किया गया था, और मंडी स्टेट को फाउंड करने वाले व्यक्ति, उनका नाम क्या था, बाणसेन। और मंडी स्टेट किसका ऑफशूट था, सुकेत का। फिर है 1337 AD। 1337 AD में मोहम्मद बिन तुगलक ने कैंपेन किया था नगरकोट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ MBT ने कैंपेन किया था कहाँ को, नगरकोट, ये आपने याद रखना है। और इसके टाइम में कांगड़ा का राजा कौन था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, पृथ्वीचंद। जब MBT ने विजिट किया था कांगड़ा को, तो उस टाइम पे राजा कौन था, पृथ्वीचंद। और ऐसा माना जाता है कि जो MBT था वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था, इसने जो है वो ज्वालामुखी टेम्पल को भी प्लंडर होने से बचाया था। नेक्स्ट टाइमलाइन है 1365। 1365 में किसने विजिट किया था हिमाचल में, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है वो कांगड़ा और ज्वालामुखी को इसने प्लंडर किया था, कांगड़ा और ज्वालामुखी। और आप सभी पढ़ते हैं कि ये ज्वालामुखी से इसने 1300 वॉल्यूम्स की जो किताबें हैं, जो कि संस्कृत भाषा की थी, उसको ये अपने साथ ले गया था, और उसका इसने पर्शियन ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसमें ट्रांसलेशन हुआ था, पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ था। और इसका ट्रांसलेशन किस व्यक्ति ने किया था, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इज़ुद्दीन खालिद खानी। इज़ुद्दीन खालिद खानी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक आपने याद रखना है, जब फिरोज शाह ने विजिट किया था कांगड़ा का, तो उस टाइम पर कांगड़ा का राजा कौन था, रूपचंद। ठीक है, जब MBT ने विजिट किया था उस टाइम पे था पृथ्वीचंद, पर जब फिरोज शाह तुगलक ने किया था तब तब कौन था, राजा रूपचंद। नेक्स्ट इज 1398। 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था लोअर कांगड़ा हिल्स को, तैमूर इन्वेडेड लोअर कांगड़ा हिल्स। पूरा कांगड़ा को उसने इन्वेड नहीं किया था, पर जो लोअर कांगड़ा का पार्ट्स है, लोअर कांगड़ा हिल्स, उसको इसने प्लंडर किया था। और उसमें मेनली आप याद रखो पठानकोट, मेनली पठानकोट और धमेरी, धमेरी जो कि पुराना नाम था नूरपुर, उसको इसने प्लंडर किया था। और उस टाइम पर राजा कौन था, राजा था मेघचंद। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर है 1405। 1405 में गुलेर स्टेट को फाउंड किया गया था, और किसके द्वारा फाउंड किया गया था इसको, हरिचंद, हरी चंद। ठीक है, और गुलेर किसका ऑफशूट था, कांगड़ा का। फिर है 1450। 1450 में सिब्बा स्टेट को फाउंड किया गया था, और सिब्बा स्टेट को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, शिवरामचंद। ये इजी है याद करना। फिर है 1514। 1514 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव इन्होंने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर है 1527। 1527 में मंडी टाउन को फाउंड किया गया था, मंडी टाउन, और किस व्यक्ति के द्वारा फाउंड किया गया था, अजबर सेन। ठीक है, और अजबर सेन ने ही जो शिवरात्रि मेला लगता है मंडी का, वो किसने स्टार्ट करवाया था, अजबर सेन ने ही। ठीक है, अगला है 1550, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइमलाइन में दत्तारपुर को फाउंड किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, दत्तार चंद, दत्तार चंद। अगला है 1620। 1620 इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है। इस टाइम पे जो कांगड़ा फोर्ट वो किसके अंडर आ गया था, मुगल्स के अंदर, और मुगल्स में उस टाइम पे शासक कौन था, जहांगीर। जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। कांगड़ा फोर्ट मुगल्स के अंडर आ गया था 1620 में, एग्जैक्ट आपने याद रखना है तो 16 नवंबर 1620। और इसके ठीक एक साल बाद 1621, ये टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1621 में इसी जहांगीर ने एक मॉस्क भी बनाया था इसके अंदर। ठीक है, जहांगीर कंस्ट्रक्टेड मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट, ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। और इसी 1621 को करम प्रकाश ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करम प्रकाश ने किसको एस्टेब्लिश किया था, नाहन को। ठीक है, तो ये टाइमलाइंस आपने याद रखनी है। अगली टाइमलाइन आपने याद रखनी है 1623। 1623 को बैटल ऑफ दलोग लड़ी गई, बैटल ऑफ दलोग, और बैटल ऑफ दलोग किसके बीच हुई थी, जगत सिंह वर्सेस चंबा का राजा था जनार्दन, और जगत सिंह कहाँ का राजा था, नूरपुर। ठीक है, और जनार्दन कहाँ का राजा था, चंबा, और इसमें किसकी जीत हुई थी, जगत सिंह ऑफ नूरपुर,
और जनार्दन इसमें हार गया था। तो बैटल ऑफ द लोग आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है 1625। 1625 टाइमलाइन में क्या हुआ था, सूरज सेन ने कमलागढ़ फोर्ट को बनाया था। सूरज सेन ने कौन सा फोर्ट बनाया था, कमलागढ़, बहुत फेमस ये फोर्ट है कमलागढ़ फोर्ट, ठीक है। किस वर्ष बनाया गया था, 1625 में। इसके बाद बात करते हैं 1654। 1654 में बिलासपुर टाउन को फाउंड किया गया था, बिलासपुर टाउन, और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, वो राजा थे दीपचंद। और इससे एक साल पहले वाली टाइमलाइन हमारी छूट गई, 1653। 1653 में रघुनाथ की प्रतिमा को भी लाया गया था। रघुनाथ की जो प्रतिमा थी, ठीक है, उसको अयोध्या से कहाँ लाया गया था, कुल्लू, और किसके द्वारा लाया गया था, दामोदर दास, दामोदर दास के द्वारा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और 1660 में आपने याद रखना है, 1660 में रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर कुल्लू का ही, और रघुनाथ फोर्ट, रघुनाथ फोर्ट ये भी बिल्ड किया गया था। और 1660 में ही आपने याद रखना है बीजापुर शहर की स्थापना की गई थी, बीजापुर शहर की स्थापना, जो कि आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा में। बीजापुर शहर की स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी, उस टाइम पे राजा थे राजा विजय राम चंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आपने याद रखना है। तो इस पार्ट वन की वीडियो में हम इतनी ही टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो वीडियो है वो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमारी दो वीडियो सीरीज़ चल रही है, एक तो 2020 और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली। तो इन दोनों की ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आप एक साथ उन वीडियो लेक्चर्स को देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।